जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और गाइस बता दें, आज हम ज़्यादा सुबह से वीडियो कुछ भी नहीं शूट किए हैं, बस कपड़े लगे हुए हैं मशीन में और खाना भी बन गया और आप लोगों से बैठ करके करना है काफ़ी बातें। और यहाँ पर हमारा चना भी तैयार हो गया, तो चलिए बच्चों को दे देते हैं नाश्ता, इनको दे देते हैं खाना, फिर करते हैं आप लोगों से बातें। अब गाइस हम खाली हुए हैं काम धाम से और टाइम आप लोगों से बताएं कि 12:30 बज रहे हैं। और इतने आप लोगों से बताएं कि सुबह जो थोड़ा बहुत हम आपको दिखा दिए, इसके बाद इतने कपड़े थे बैग में, मशीन से भी धुले हैं, लेकिन मशीन से धुलने में भी तो काफ़ी मेहनत पड़ती है। और ये भी थे ना घर में, तो काफ़ी हेल्प हो गई है। हम धुलते गए हैं और ये कपड़े ऊपर डालते गए हैं। तो वाकई जब कभी इंसान, हम लोग परेशान रहते हैं ना, तो अपनों की जब हेल्प मिल जाती है ना, तो कितना अच्छा लगता है। अपने पति हों या अपनी फैमिली के लोग हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। टाइम की बात करते रहो तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो कुछ जब हम काम में लग जाते हैं ना, तो वाकई वहाँ की यादें थोड़ा कम हो जाती हैं। और नहीं तो आप लोग तो जानते हैं ना, अभी इतनी खुली खुली जगह में वहाँ पर थे और यहाँ आने के बाद ना इतना बंद बंद सा लग रहा है कि आप लोगों से अब हम क्या बताएं। तो वैसे घुटन सी होती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, धीरे धीरे तो अपने आप को मेंटेन करना ही पड़ेगा। और आप लोगों से बताएं, कल की वीडियो में तो आप लोगों ने देखा है कि मोटापा को लेकर के हम कितना परेशान हैं और ये बार बार हमको चिढ़ा रहे थे कि क्यों मोटे होकर के आ गए हो। तो कोई बात नहीं है, जहाँ हम डेढ़ कुंटल थे पहले, जब बच्चे नहीं हुए थे इसके पहले भी, और इसके बाद ये मोटापे को अपने आप ही कैसे हमने मुट्ठी में किया है, तो ये तो आइडिया हमको पता है। और सिर्फ घरेलू उपचार से ही हम अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। तो हम इनसे कह रहे थे कि आप अपने को देखो कि आपका भी तो पेट निकला हुआ है। तो कभी कभी होता है जब हम ऐसे परेशानी में हैं, टेंशन में हैं, तो अपनों से ही अगर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं ना, तो अपने टेंशन दूर हो जाते हैं। और ऐसे ही होना चाहिए गाइस। तो चलिए, यहाँ पर अब आपको हम बताना चाहते हैं कि आपके काफ़ी समय से ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आपके कौन से नंबर वाले भैया हैं जो इस समय नहीं हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे बड़े वाले भैया हैं जो इस समय नहीं हैं हमारे पास, भगवान जी को प्यारे हो गए, और वो तो आप लोगों को सब पता ही है। तो अभी भी हम पूरी तरह से इस विषय में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कमेंट आए, इसलिए आज हम इस विषय में बात आप लोगों से करना चाहते हैं। और हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारी नानी थी ना, नानी के हमारे एक भी बेटे नहीं थे, सिर्फ हमारी मम्मी ही थी जो उनकी बेटी थी। इसीलिए हमारे 7 भाई और हम लोग 3 बहनें थे। और हम लोगों को सब की, मतलब हम लोग कहाँ पर पैदा हुए, हम अतर्रा में ही हुए हैं, क्योंकि नाना नानी के हमारे 3 पीढ़ियों से घर में कोई बच्चे नहीं थे। इसलिए जब हमारी मम्मी, मतलब इस समय जब हमारे भैया जी हुए, बड़े वाले भैया जो इस समय नहीं हैं, इतनी खुशी नानी नाना को मिली। और काफ़ी हमारे नानी नाना के काफ़ी प्रॉपर्टी थी, तो उसमें ये हुआ कि जब इतने बच्चे होंगे तभी तो ये सही यूज इसका हो पाएगा। तो अब तो लोग इतना, मतलब बच्चों के लिए इतना है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कोई नहीं चाहता है। लेकिन हमारे नानी नाना को इतनी खुशी थी कि आप लोगों से बताएं, जब हम प्यार से इनको राजू भी बोलते थे, अपने बड़े वाले भैया जो इस समय नहीं, उनको भाई जी भी कहते थे। और वैसे तो नाम उनका पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी था, जिस समय नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाने वाले को थोड़ी कोई रोक सकता है। बट हम आपके सामने रोना नहीं चाहते हैं, बहुत हिम्मत करके ये बातें आप लोगों से बता रहे हैं अपने भैया के विषय में। तो कुछ जब वो पैदा हुए ना, तो इतनी खुशी, हम तो उस समय नहीं थे, पर नानी नाना सब बता रहे हैं कि वो जो पलना होता है ना, झूला वाला, उनको सोने की कीली से गढ़ा करके उनके लिए बनवाया गया था, हमारे भाई जी के लिए। तो मतलब इतनी खुशियाँ, और उनका बचपना इतना अच्छे से बीता, सभी लोग बहुत खुश हुए। इसके बाद हमारी सब बहन भाइयों की छोटाई बढ़ाई है, सिर्फ 1.5 साल की, हम लोग छोटे बड़े हैं। तो आके हम तो अपने बड़े जो भैया इस समय ने, उनसे तो हम काफ़ी छोटे हैं, लेकिन जहाँ पर हम अभी तक हम थे पछौहा धाम में, वो दादू भैया हैं हमारे, वहाँ हमारे 3 भाई वहाँ पछौहा में रहते हैं और 4 भाई हमारे अतर्रा में रहते हैं। तो दादू भैया सिर्फ हमसे 1.5 साल के बड़े हैं और 1.5 साल के हम उनसे छोटे हैं। तो अभी भी हमारे बहन भाई में नोक झोंक चलती रहती, जैसे हम बचपन में झगड़े करते थे ना, वैसे अभी भी उनके साथ, हमारे साथ ऐसे ही होता रहता। भाभी काफ़ी हंसती रहती हैं कि मतलब बहन भाई का जैसे शुरू से झगड़े होते वैसे अभी भी कर रहे हो। कोई बात नहीं, बहन भाई का तो प्यार ऐसे ही होता ही है। लेकिन जो हमारे बड़े वाले भैया इस समय नहीं हैं, उन्होंने
काफ़ी जिम्मेदारी से हर काम को निभाया। मतलब हम अतर्रा में सब बहन भाई हम अतर्रा में ही पले, हमारी मम्मी पछौहा में थोड़ी समय के लिए जाती थी, लेकिन जब बच्चे पैदा होते थे तो वह अतर्रा में ही होते थे। इसके बाद जब 1.5 साल तक दूध पीते थे फिर उनको छोड़ करके नानी के पास ही चली जाती थी, फिर पछौहा चली जाती थी। और हमारी नानी कैसे देख रेख करती थी आप लोगों से बताएं कि 3-3, 4-4 बाई रखती थी, नहलाने के लिए अलग, मालिश के लिए अलग और झाड़ू पोछा के लिए अलग, और खाना बनाने तक की हमारे यहाँ बाई लगी रहती थी अतर्रा में। मतलब काफ़ी नानी नाना की हमारी काफ़ी प्रॉपर्टी, अब आप लोगों से क्या ज़्यादा तो नहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ था हमारे नानी नाना के पास। इस वजह से उनको बच्चों की बहुत ही चाहत थी। तो जैसे ही हमारे बड़े वाले भैया बड़े होते गए वैसे ही उनको पूरी जिम्मेदारी हमारे नानी नाना देते गए, और उन्होंने बड़े होने का पूरा अपना फर्ज निभाया, नानी नाना का पूरे अच्छे से ध्यान दिया, माता पिता का भी ध्यान दिया, अपने छोटे बहन भाइयों का भी बहुत ध्यान दिया। एक जैसे अतर्रा में एक माता पिता ध्यान देते अपने छोटे बहन भाइयों का, वैसे हमारे बड़े वाले भैया ध्यान दिए जो इस समय नहीं हैं। इसलिए जब हमारी शादी की बात चली तो हमारे बड़े वाले भैया को बिल्कुल पता नहीं था कि हमारे पिताजी कहाँ हमारी शादी कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भी हो जब उनको पता चला तो काफ़ी अपने पिताजी से काफ़ी मतलब नाराज़ हुए कि आप उनकी शादी कहाँ कर रहे हो, क्योंकि उनकी हाई फाई सोच रहती थी। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों से बताएं ना, धन दौलत का कोई मान नहीं होता, धन दौलत कुछ भी नहीं है, जब सबसे बड़ा दौलत कौन है क्या है, अपनों का प्यार। जहाँ पर अपनों का प्यार मिलता है ना वहाँ पे धन दौलत का कोई कीमत नहीं है। और वही हम कहेंगे आप लोगों से कि वैसे ही हमारे बहन भाई में इतना प्यार था और वैसे ही हमको ससुराल में भी इतना प्यार मिला कि कुछ जहाँ तक कुछ भी नहीं था वहाँ सिर्फ हमको अच्छे अपने लोग मिले और इतना हमको प्यार मिला, तो उसी में आज हम भी खुश हैं। तो अपने भाई भैया जी की बातें भाई जी की हम बता रहे हैं कि जैसे ही हमारी शादी हुई तो शादी के समय जब शादी तो हो गई, जब गौने की विदाई होती ना तो उस समय भी हमारी शादी का कन्यादान कौन लिए था, हमारे नानी नाना ने हमारी मतलब कन्या पूजन जो भी होता है शादी का पूरा कार्यक्रम हमारे नानी नाना ने हमारा किया था। उस समय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी हमारे भाई जी को दे दिया था जो बड़े वाले भैया इस समय नहीं हैं। तो आप लोगों को इसलिए अच्छे से बता रहे ना कि आप लोग समझ जाओ, क्योंकि हम मतलब भावुकता में आकर के ना तो कोई भी बात मतलब आप लोग भी नहीं समझ पाओगे। तो उनको पूरी जिम्मेदारी दे दिए थे। वो जब हमारे मतलब गौने का समय आया तो वो जब जेवर लाए ना तो जेवर काफ़ी छोटा छोटा से ले आए थे, तो अपने भैया से हम काफ़ी झगड़ा किए कि आप लोगों के पास इतना इतना सारा सामान है, आप हमको छोटा छोटा सा जेवर क्यों ले आए, हमको बड़ा जेवर चाहिए। तो वो फिर हमारे लिए कान के बड़े बड़े झूमक हैं, पहले के ज़माने में बिजली भी चलती थी, अभी भी लोग पहनते हैं, वो हमारे लिए बिजली लाएँ, झूमक लाएँ, बड़ी बड़ी अंगूठी है। तो काफ़ी हम अपने बहनों में ना काफ़ी तेज थे मायके की तरफ से, कुछ मतलब तेज क्या थे, बोलने में तेज थे, नानी नाना को बिल्कुल नहीं डरते थे ना भैया लोगों को डरते थे, और हमारे भैया लोग भी बहुत ही अच्छे थे, इतना स्नेह इतना प्यार, अभी भी सब भैया लोग बहुत ही अच्छे हैं, बस दादू भैया को छोड़ करके आज भी हमसे वो झगड़ा करते हैं। तो कुछ बातें ऐसी थी। तो उसके बाद वो हमको काफ़ी बड़ा बड़ा सा जो भी जेवर का सामान लाएँ काफ़ी अच्छा लाएँ, जो भी घर गृहस्थी का सामान लड़की का दिया जाता है वो भी हमारे भैया ने ही हमको दिया। तो आज भी उनकी इतनी यादें हैं यहाँ पर, चाहे डबल बेड हो, चाहे सोफे हो, चाहे फ्रिज, जो भी है। काफ़ी हमको कैश भी दिया गया था, और कैश की जगह जो कैश दिया गया तो हमने यहाँ पर लिया सामान, और जो सामान वहाँ से मिला था सब कुछ जो भी सामान है उन्हीं का लाया हुआ था। आज भी काफ़ी समय जब गौने के काफ़ी समय हो गए तो हमारे पास यहाँ लखनऊ में मिक्सी नहीं थी, मतलब हम लोग हाथ से पीसते थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर मिक्सी नहीं है तो वो मिक्सी भी हमको ला करके दी। आज भी वो करीब हो गई 17-18 साल की मिक्सी, कई बार ख़राब भी हो गई मिक्सर, लेकिन हम ठीक करा लिए। तो आज भी भैया की यादें हैं, तो बहुत सारी भैया से जुड़ी हुई हमारे पास यादें हैं। जब यह पाँच विधायक हुए तो 5 साल यहाँ लखनऊ में रहे, और बच्चों के साथ हर जगह जगह फ़ोटो पे हैं, बहुत सारी यादें हैं। तो यहाँ आने के बाद ना हम करीब 3-4 दिन इसीलिए कोई वीडियो नहीं शूट कर पाए हैं, जब अकेले में होते थे तब बस
रोना ही हमारे पास रहता था, इसीलिए ज़्यादातर अपने सासू माँ के पास, देवरानी के पास, मीना के पास आप लोग कमेंट डालते हो कि आप मीना क्या आपकी सगी देवरानी हैं। आप लोग इतनी वीडियो हमारी देखे हैं, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में हैं, कभी ना कभी और अच्छे से आपको, अभी तो ये भैया जी की बातें चल रही हैं, आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे कि परिवार में कैसे क्या रहा जाता है। हम अपने परिवार की बड़ी बहू हैं, हम तो इसीलिए शुरू से ही सब अपने वीडियो में हर एक परिवार अपने ससुराल की बातें, मायके की बातें हम सब बता करके रखे हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत है। लेकिन गाइज अगर आप लोग कमेंट करते हो तो हम ज़रूर इस विषय में आप लोगों से ज़रूर बातें करेंगे। तो जो हमारे बड़े वाले भैया थे ना, छोटे बड़े का इतना सम्मान प्यार उन्होंने बहुत अच्छे से दिया और नानी नाना ने पूरी जिम्मेदारी उनको दे दिया था। बड़े हो तो ऐसे हो जैसे हमारे बड़े वाले भैया थे। कोई कोई बड़े भाई होने के बाद भी अपना फर्ज नहीं निभा पाते। तो एक कबीरदास सही दोहा लिखे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। तो बड़े होने का पूरा फर्ज निभाना चाहिए, नहीं तो बड़े होने का कोई मतलब नहीं है। तो आज भी उनकी इतनी सारी यादें, 5 साल जब विधायक होने के बाद लखनऊ में रहे, तो कितना भी कहीं भी जाए, जब तक हम बहनों से नहीं मिल लेते थे तब तक वो कहीं नहीं जाते थे, हमसे हो या रानी से हो। इधर देखिए 4-5-6 साल से PGI का आना जाना, तो मतलब कितना भी वो परेशानी में रहें तब भी हमारे पास मिलने आते थे और अपनी फरमाइशें करते थे कि हमको ये खाना है, वो खाना है। आज भी जब कभी कभी सोचते हैं कि क्या हमारे रोना नहीं चाहते हैं आपके सामने, क्योंकि हम बहुत हिम्मत से जुटा करके उनकी सब बातें आप लोगों से बता रहे हैं कि हमारे भैया जी कैसे थे। फिर भी देखिए बात करते करते ना आँख में आंसू आ ही गए। तो हमारे भैया बहुत ही अच्छे थे और कुछ इस समय उनको परेशानी 3-4 साल से काफ़ी थी। उनको उनकी दोनों किडनी ख़राब हो चुकी थी, फिर भी हमारी भाभी जी ने एक किडनी दिया, उसी में वो 2-2.5-3 साल तक आराम से चलते रहे, डायलिसिस होती रही, पहले हफ्ते में एक दिन, फिर हफ्ते में 2 बार, ऐसे करके उनका करीब 3-4 साल ऐसे बीतते गए। इसके बाद अभी भी परिवार के लोग सब बहुत ही अच्छे हैं, इतनी उनकी सेवा हुई परिवार में, सब मिलजुल करके उनकी सेवा किए। और आप लोगों ने देखा कि उनका बेटा मयंक द्विवेदी कितना 2-2.5 महीने यहाँ ठंडियों में PGI में लिए पड़े रहे। तो ये होता है परिवार का भाव और प्यार, क्योंकि उन्होंने बहुत किया परिवार के लिए। इस समय नहीं, लेकिन आज तक कभी तेज आवाज़ में उन्होंने किसी से बात नहीं किया है। आज भी जब देखिए बात हम कर रहे हैं, अपने आप को इतना मजबूत करके बात कर रहे हैं कि उनकी बात करने के हमारे आँख से आँसू नहीं रुकते हैं। और वहाँ थे सबके साथ, तो थोड़ा सा लगे रहते थे बातों में, तो कम यादें थी। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें उनकी हैं, जो देख लेते हैं वही याद, मतलब आँख में आंसू आने लगते हैं। तो गाइस कुछ ऐसा होता है, बहन भाई के रिश्ते ही ऐसे होते, बहुत गहराई के रिश्ते होते हैं। तो हमारे भैया इतने अच्छे थे कि आज भी तेज आवाज़ में कभी किसी से बात नहीं करते थे, बिट्टी कह के पुकारते थे। तो बिट्टू जो दादू भैया की लड़की है ना, इस मतलब उनके पास 2-2.5 साल तक रुकी, वो लड़की ने बहुत सेवा किया उनकी। वो भी हमेशा उससे कहते थे, बिट्टी मुझे ये खाना बना दो, वो खाना बना दो। आज भी अगर जब तक मैं वहाँ पर थी, अगर एक दिन भी कोई हमको बिट्टी कह देता था तो बिट्टू रोने लगती थी, कहती थी अब ये नाम को भुला दो, बिट्टी कहना, मतलब दादा ही ये नाम को कहते थे, बिट्टी सबको बुलाते थे। तो हमारे यहाँ गाइस खैर है, अभी भी है अपने छोटे बड़ों की मानवता, अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे स्नेह प्यार। और बड़े वो थे, लेकिन जो भी वो कपड़ा, भले उनका बहुत ही मान था, वो तो हमने बताया ही, जो भी कपड़ा उनके लिए आता था, एक से एक मतलब कपड़े, वो सब छोटे पहनते थे। अब तो ये है कि बड़े के पास इतना है तो हमारे पास ऐसा क्यों नहीं, अब के बच्चे ऐसा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन पहले गाइस ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बहन भाई आपस में, वो बड़े ज़रूर थे, लेकिन आपस में हम लोग बैठ करके मतलब बातें वो करना, एक दूसरे की थाली से निकाल करके खाना, इतना स्नेह, इतना प्यार कि जितनी भी उनकी बातें करें उतना ही कम है। तो कुछ बहुत सारी यादें हैं जो आज भी, रानी तो काफ़ी छोटी थी, बड़ी वाली दीदी भी, बहुत बड़ी वाली दीदी को भी वो बहुत मानते थे, जो रुचि की मम्मी हैं। और बेटियों में प्राची का उन्होंने कन्यादान लिया, और प्राची भी उनके बहुत ही नज़दीक थी, बट पहुंच नहीं पाई सिर्फ इसी कोरोना के चक्कर में। तो काफ़ी सभी लड़कियों को बहुत ही मानते थे, और जो जहां था सब बहुत ही परेशान हुए भाई जी को लेकर के। और आज भी हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे गाइस, आप लोगों से बातें करके ना कुछ मन
हल्का हो रहा है, तो इसीलिए हमारे परिवार की बहुत सारी बातें, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हो कि आप कहाँ से हो, तो बहुत सारी बातें हैं। इस समय तो ज़्यादा नहीं कर सकते आप लोगों से बातें, बस अपने भैया के विषय में ही आप लोगों से बातें बताएं कि हमारे भैया बहुत ही अच्छे थे और शायद सबके बहन भाइयों में ऐसे ही प्यार रहे जैसे हमारे बहन भाइयों में प्यार था और है अभी भी। हमारे जो उनसे दूसरे नंबर वाले, तीसरे नंबर वाले भैया वो भी बड़े हैं, लेकिन वो भी ऐसे स्नेह प्यार अपने छोटों के प्रति रखते हैं। बट रखना ही चाहिए, बड़ों का कर्तव्य है कि अपने छोटों के प्रति हमेशा स्नेह प्यार रखना चाहिए, हमेशा उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को नहीं। कभी कभी बड़े जिस घर में ऐसे होते हैं कि अपना ही देखते हैं, दूसरों को नहीं देखते, अपना आप कम देखिए लेकिन अपने छोटों को ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये सब तो आप लोग ये ना कमेंट में डालिएगा कि आज हमने आपसे बहुत ही बकबक कर लिया, कुछ ऐसा नहीं गाइस, आप लोगों से बहुत ही स्नेह प्यार है और आप लोग हमारे अपने भी अपने हैं जो भी हमारे YouTube में। और कभी कभी कमेंट ऐसे आ जाते हैं, कुछ हमने वीडियो डाला तो उसमें काफ़ी लोग क्या कहें कि जाओ जाओ आरती करो, अच्छी यूट्यूबर बन जाओगी। ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है, हम यूट्यूब में आए हैं तो अच्छी यूट्यूबर बनने के लिए नहीं आए हैं, कोई हमारी वीडियो देखे या ना देखे, बट जितने भी हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख रहे हैं उन लोगों के लिए हम अच्छी अच्छी बातें, हम तो सोचते रहते कि आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करें कि किस विषय में, अपने बहनों के विषय में, जो भी हमारी बहनें YouTube में जुड़ी हैं, जो भी हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करें। पर आप लोगों से बस यही है कि आप लोग जब गलत कमेंट डालते हो ना, तो गलत कमेंट ही बहुत ही खल जाता है। तो गाइज ऐसा नहीं, आप लोग भी ऐसे स्नेह प्यार हमारे साथ बनाए रखें। और जो भी कुछ ज़्यादा बोल गए हों उसके लिए आप लोगों से यही कहेंगे कि ज़्यादा बातों पर हमारे ध्यान मत दीजिएगा, और रिश्तों को संभालना अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है कि हमको अपने रिश्तों को कैसे संभाल करके रखना है। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को कर रहे हैं एंड। हो सकता है ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि जब बातें करने लगते हैं आप लोगों से तो बहुत ही अच्छा लगता है, लगता है कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें करें। तो आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट डालते हो, अब तो हमारी 2-3 सब्सक्राइबर इतनी अच्छी हैं कि हमको बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट डालती हैं, और कभी उनका नाम हम वीडियो में बताएंगे कि वो लोग कौन हैं, नहीं अभी तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। जब ऐसे लोगों के कमेंट पढ़ लेते हैं ना तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है कि चलिए कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई तो पसंद करता है। तो गाइस चलिए यहीं पे वीडियो का कर रहे हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।